योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस केस में मैं ये आपकी दृष्टि में फिर से लाना चाहूँगा कि दुनिया भर के केसेस को अगर हम देखें तो ऐसे केसेस भी पाए गए हैं कि एक व्यक्ति ने 100 और 100 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया और इन टर्न उन लोगों ने जाकर बाकी कहीं हजारों लोगों को इन्फेक्ट किया, तो कारण ये रहा कि एक व्यक्ति की लापरवाही से पूरे देश में वहाँ पर महामारी के रूप में COVID-19 बीमारी फैल गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज ज़रूरी है कि हमारे सबके कंटिन्यूड पॉजिटिव एफर्ट्स 100% सिंसियरिटी से देश को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए लगे रहें। साथ ही मित्रों, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोविड के रिलेटेड इश्यूज़ में गाइडेंस देने के लिए 10 एम्पावर्ड ग्रुप सीनियर ऑफिशियल्स के अंडर में बनाए गए हैं जो फोकस कर रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर, हॉस्पिटल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पर, केस मैनेजमेंट पर, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और इन्वॉल्वमेंट, ऐसे जो मुख्य अंश हैं उसमें वो हेल्थ मंत्रालय को अपनी सलाह गाइडेंस और अपनी डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि हम इस समस्या से बाहर आ सकें। एम्स न्यू दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा कंट्री लेवल पर विस्तृत लेवल पर ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं फील्ड लेवल पर ऑनलाइन मोड के थ्रू, ताकि हम अपनी हॉस्पिटल प्रिपेयरनेस को, कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव कर सकें। बहुत सारे डिपार्टमेंट हर तरीके से हमारे इस एफर्ट्स में जुड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने अपने सभी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और उनके हॉस्टल्स को क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटी बनाने के लिए निर्णय ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने हमें ये भी लिखा है कि जितने भी हेल्थ केयर के जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम उनके लेवल पर चले हैं उसके द्वारा 1,00,000 कर्मी हैं जो हमारी सहायता के लिए आज हमें उपलब्ध हैं। उन्होंने हमें 2,000 हेल्थ केयर ट्रेनर्स और 500 से ज़्यादा हेल्थ केयर असेसर की भी एक सूची भेजी है जो कि हमारे को क्वारंटाइन, आइसोलेशन और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में इन्फेक्टेड लोगों के इलाज में सपोर्ट कर सकती है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने नेशन वाइड लॉकडाउन के चलते नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेडिकल इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्गो एयर फ्लाइट्स के लिए एक्सक्लूसिव रन करने की मंजूरी भी दी है। अगर हम आज का डेटा और इससे पहले का डेटा भी एनालाइज करें तो जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि हमने पाया है कि जो लोग एल्डरली हैं और जो साथ में उनको कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे हाइपरटेंशन, क्रॉनिक डिजीज़, किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ और पल्मोनरी डिजीज़ या साथ में डिक्रीज इम्यूनिटी है उनकी, वह लोग ज़्यादा सक्सेप्टेबल हैं इन्फेक्शन के, तो उसके तहत हम कंटिन्यूसली उनसे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि उनको लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। मिनिस्ट्री ने कल ही एल्डरली पॉपुलेशन के लिए अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स क्या हैं उसके लिए भी एक डिटेल्ड एडवाइजरी इशू की है। हमने कहा है कि एल्डरली पॉपुलेशन पर्टिकुलरली जितने भी हमारे डूज एंड डोंट्स हैं उनका पालन करें, सारी गाइडलाइंस का फॉलोअप पूरा हो उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई है। इसके साथ ही COVID-19 जिन केसेस में रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनका डिसइंफेक्शन कैसे किया जाए उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड गाइडलाइन कल हमने इशू की है, जिसमें इंडोर एरियाज, आउटडोर एरियाज और पब्लिक टॉयलेट्स को कैसे डिसइंफेक्ट किया जाए उसके बारे में हमने गाइडलाइंस बनाई हैं। मैं आप सबके द्वारा सभी को सूचित करना चाहूँगा कि ये जो हमारी गाइडलाइंस हैं ये हमारी वेबसाइट mohfw.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। कृपया करके इनको आप पढ़ सकते हैं और इनके द्वारा जो हमने सलाह सूचना दी है उसको उपयोग करें।